चौकीदार चोर है, इस नारे पर आज कांग्रेस पार्टी को जोरदार झटका लगा है। तो वहीं सारे मोदी चोर हैं वाले बयान पर राहुल गांधी भी फंसते नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने राहुल पर मानहानि का केस दर्ज कराया। पटना में सारे मोदी चोर वाले राहुल के बयान पर मानहानि का केस दर्ज। आज सुशील मोदी ने राहुल को 2 साल की सजा देने की अपील की। चौकीदार चोर है विज्ञापन पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रचार अभियान को झटका। बीजेपी ने चुनाव आयोग से कांग्रेस के विज्ञापन की शिकायत की थी। चौकीदार चोर है के विज्ञापन पर तत्काल रोक, चुनाव आयोग। सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी के सारे मोदी चोर है वाले बयान के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। पटना में सुशील मोदी ने कोर्ट से कांग्रेस अध्यक्ष को इस मामले में 2 साल की सजा देने की अपील की है। वहीं मध्य प्रदेश में चौकीदार चोर है के विज्ञापन पर कांग्रेस को झटका लगा है। बीजेपी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने चौकीदार चोर है के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कहते हैं। नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, ये सबके सब मोदी 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 नाम। एफिडेविट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि कर्नाटक की कोलार की एक सभा में उन्होंने देश के सारे मोदियों को चोर कहा है और मोदी टाइटल रखने वाले जितने लोग हैं उनको उन्होंने चोर बताया है। इससे मोदी टाइटल रखने वाले सभी लोगों की भावनाओं को ठेस लगा है और इसलिए हमने कोर्ट से आग्रह किया है कि राहुल गांधी को पटना के कोर्ट में समन किया जाए, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने और लोगों की निगाह में लोगों की छवि को खराब करने के आरोप में इस मानहानि के मुकदमे को 2 साल की सजा सुनाई जाए।